वही है, पिलाएगा दारू। इससे एक शब्द मैंने बातचीत नहीं किया, एक शब्द बातचीत नहीं किया मैंने इससे, और ये जो है दारू ऑफर कर रहा था आपको सर। हाँ, और इन लोगों से भी बोला होगा। अब पिया है, अभी पिया है, मुंह महक रहा है। महकिया नहीं, महकिए पहले आप, महक लिए पिया है ना। सर मैंने सही बोला था ना, नहीं मैं आया, सुनिए मैं आया सिर्फ खाना खाने, मैंने कुछ नहीं बोला किसी को, खाना ऑर्डर किया यहाँ पे। ये इतना बदतमीजी मेरे साथ किया कि मुझे खाना नहीं खाना पड़ा, मैं खाना छोड़ के चला गया यहाँ से। सर ग्राहक जो होता है लक्ष्मी होता है, और ग्राहक भगवान का रूप होता है। मैं अंडा अब कड़ी और दाल अंडा कड़ी और अंडा भुर्जी ऑर्डर किया, अंडा भुर्जी उनके लिए, अंडा कड़ी रजनीश के लिए, और मैं अपने लिए दाल रोटी। मैं दाल रोटी छोड़ के भाग गया यहाँ से कि ये बोलेगा कुछ, गुस्सा आएगा, और तब तक रास्ते में वो लोग दिख गए और बोल रहा है क्या, वीडियो है मेरे पास, बोल रहा है क्या कि 24 घंटा अवेलेबल है, बोर्ड पे लिखवाया हूँ, मेरे पास वीडियो है उसका, एविडेंस है, जरा सोचिए। और ये बिहार है, बदलता हुआ बिहार, जिसमें शराब बंद है, वहाँ पे एक दुकानदार डायरेक्ट पत्रकारे को ऑफर दे रहा है कि बोल रहा है क्या कि दारू पीजिएगा क्या, 24 घंटा अवेलेबल है। अब बदतमीजी कर रहा था इसी काउंटर पर बैठ के, जरा सोचिए। अगर ये बदतमीजी नहीं करते तो हम लोग को कोई मतलब नहीं। बार बार भैया समझाए उनको कि आग से मत खेलो, तो वो बोल रहा है कि आग से खेलने का आदत है, तो खेलो आग से। गांव के इस लोकल क्षेत्र के कम 10 बच्चे आए थे, सब ने मेरे साथ फोटो खिंचवाया यहीं पे बैठ के, सब समझा रहे थे इसको, मना कर रहे थे कि मत बात कीजिए। और उसके बावजूद भी जो है, अब जरा सोचिए, ये लोग आए हैं यहाँ पे खाना खा रहे हैं, सीधे साधे लोग हैं, और मेहसी से आए हैं लोग, और यहीं लोग फंस जाए तो पुलिस आएगा इन्हीं लोगों को उठा के ले। अब मान लीजिए आप तो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, सही है कि नहीं है? आपको तो पता नहीं है इस होटल में दारू मिलता है, अब पुलिस छापा मारे आप ही लोगों को उठा के लेके चला जाए होटल मालिक के साथ, तब क्या कीजिएगा? सही है कि नहीं है? ये सच्चाई है। और अभी रात के मतलब कि 1:30 बज रहा है, और इनके दुकान में 24 घंटा अवेलेबल है ऐसा ये कहते हैं। और इनका दुकान जो है राधिका लाइन होटल 2 है ये, और ये कौन से थाना के अंतर्गत आता है सर? प्रतापगंज ना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन लोगों को जो रास्ते में ये लोग खड़े थे, जितने भी पुलिस वाले रास्ते में खड़े थे, मैंने एक बार बोला उन लोगों से कि सर ऐसा ऐसा हुआ है चलिए, और डायरेक्ट उन लोगों ने कुछ सवाल नहीं किया, डायरेक्ट गाड़ी घुमाया और यहाँ पे छापा मार दिए, ये लोग चले आए। ये देखिए ये थाने के लोग हैं, और ऐसे ऐसे पुलिस वाले जो है सड़कों पे खड़े रहे हैं, हर एक 5 किलोमीटर पे एक गाड़ी इन लोगों की रहनी चाहिए, और इसी प्रकार से ईमानदारी से काम करेंगे तो पुलिस की छवि भी बदलेगी। सभी स्टाफ मुझे जानते थे, पहचानते थे, इन लोगों ने मना भी किया उसको कि बदतमीजी मत करो, ये इन्होंने डायरेक्ट बोला। अब बेचारे ये लोग काम करते हैं, होटल का स्टाफ है, और मालिक जो है भाग जाएगा, स्टाफ बेचारा फंस जाएगा, पुलिस का छापा पड़ेगा, तो ये है सच्चाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। दारू 24 घंटा दारू क्यों पिए हो? अभी भी तो तुम दारू पिए हो, तुम्हारा मेडिकल होगा, तुम्हारा सर। आप ये बताइए, लेकिन आपका मैं इतना इज्जत किया, इज्जत किया हो बोल रहा माफी मांगे, तो धमकी दे रहा है। सुनो ना, तुम तो धमकी दे रहा था कि गांव में एरिया में पता कर लीजिए। नहीं सर, बोल रहे हैं
पुलिस को देख के शराबी का नशा पड़ जाता है। नहीं माफी मांग लो भाई, आपसे माफी मांगे हमसे नहीं, ए एस आई मुन्ना कुमार जी थे ये, और साथ में इनके फोर्स थे। इन लोगों से सिर्फ और सिर्फ मैंने एक मिनट शिकायत किया कि सर आप लोगों की गाड़ी खड़ी है और पीछे एक होटल पे जो है शराब ऑफर किया जा रहा है, वो भी मुझे, और शराब के नशे में शराब ऑफर किया जा रहा है। इन लोगों ने कुछ नहीं पूछा, गाड़ी घुमाया, डायरेक्ट ये होटल पे आए हैं और उस आदमी को पकड़ लिए जो शराब के नशे में था और जो हम लोगों के साथ बदतमीजी किया था। भगवान करे कि ऐसे ऐसे पुलिस वाले जो है हर एक 5 किलोमीटर पे बिहार के हर एक कोने कोने में खड़े रहें, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार से अपराध खत्म हो जाएगा। हालांकि कुछ पुलिस वाले गलत करते हैं, उनका भी वीडियो हम लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले अगर अच्छा करते हैं तो उनका भी प्रशंसा करने की जिम्मेवारी हम पत्रकारों की है। अभी 1:30 बज रहा है और 1:30 बजे ये लोग जो है ड्यूटी पे मुस्तैद थे। कौन से थाना के हैं सर आप? प्रतापगंज थाना के हैं। प्रतापगंज थाना के, और आप सभी लोग? जी सभी। और कितने जवान थे आप लोग सर टोटल? एक पदाधिकारी हैं और 3 जवान हैं। 3 जवान हैं, 4 लोग टोटल थे और 4 लोग यहाँ पे चले आए। अभी तो आप लोग पकड़ लिए हैं सर? हाँ, पकड़ करके ले जा रहे हैं, इसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। हाँ। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, बिहार में अगर शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, तो मैं विनती करना चाहता हूँ कि पुलिस में जो संख्या बल की कमी है उसे पूरा करें और बिहार के हर एक 5-5 किलोमीटर पे जो है एक पुलिस की गाड़ी जो है वो इस प्रकार की पुरानी खटारा गाड़ी नहीं, जिसपे नंबर प्लेट ही नहीं हो, कुछ नहीं हो, इन लोगों को भी नई गाड़ी दिया जाए, इनोवा जैसे उत्तर प्रदेश में दिया गया है, सफारी जैसे झारखंड में दिया गया है, इनोवा जैसे अदर राज्यों में दिया गया है, वैसी गाड़ी दिया जाए ताकि ये लोग भी ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और इस प्रकार के शराब बेचने वाले और शराब पिलाने वाले को जल्द से जल्द पकड़ें। बस सर, आप लोगों के लिए जय हिंद। बात ना के लिए हम ठीक है, दुकानदारी कीजिएगा तो कहाँ से बात करेंगे लोग, आप ही बताइए। रात कितना बज रहा है? 1 बज रहा है। आपके दुकान में 1 बजे रात को हम आए हैं, सर ये बताइए, आपके दुकान में 1 बजे रात को आए हैं? मैं बोर्ड पे लिख रहता हूँ 24 घंटा उपलब्ध है। अच्छा, 24 घंटा उपलब्ध है तो नहीं ना होना चाहिए 24 घंटा? गलत नहीं, आपको बड़ा भाई मान रहे हैं। नहीं तो हमको काहे दारू पीने का ऑफर दीजिएगा? नहीं मत दीजिए, फंस जाइएगा, कभी जेल चले जाइएगा, मर जाएंगे आपके लिए, हमारे लिए मेरा जिंदगी है, हमारे लिए मरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हम मर जाएंगे। अरे यार तू किया है ते मगजमारी कर जा, मिस मत कीजिए, समझे? अरे तू बात के किया ना समझे जा यार, की बोला की प्रॉब्लम है? अरे यार भैयारू के बिल और भैयारू का जेल दा, ठीक है? जिस प्रकार हम यही चाहते हैं, नहीं नहीं, जिस प्रकार से आप बदतमीजी कर रहे हैं, हम आपके होटल में आए भरोसा के साथ कि रात में ना, ना भैया बिल्कुल आइए और हमेशा आइए, हमारे आप बदतमीजी कर रहे हैं कि आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, खाना का ऑर्डर हम आपसे नहीं लिए इस भाई, ये भाई के लिए आपसे कोई ऑर्डर लेने लगता ना, नीतीश कुमार से बड़े थोड़े हैं आप, कितना भाई जी, इंसान कोई नहीं भाई, भगवान से बड़ा इंसान कोई नहीं है ना, ठीक है? तो सुना ना, हम क्या बोले आपको, हमको इंसान से डर लगवे नहीं करता है, हमको लगता है तो भगवान से डर लगता है, इतना आप समझते हैं नहीं, जाइए हम भगवान कसम खा के बोलते हैं, जो पीता है उसको पिलाइए, जो नहीं पीता है ना उसको ये सब ऑफर मत कीजिए। 24 घंटा आपके दुकान में अवेलेबल है, 48 घंटा अवेलेबल है, उससे मतलब हम लोग को नहीं है, हमको अवेलेबल आज ही चाहिए, हम खाने खाने आए हैं, हमको खाना खिलाइए, जाने दीजिए। अच्छा भाई जी, कोई रोक रहे हैं, कोई दिक्कत कर रहे हैं आपको, हम किसी कोई तकलीफ है बस, दुनिया को मत देख, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या क्या बोल रहा है वो मत देखिए, ये देखिए कौन क्या कर रहा है, का समझा भी है तू भैया, आखिरी कोई बात नहीं होता यार, दुकान अरे हमको दारू का ऑफर दे रहे थे, पीने का, एक पीने का दे रहे थे, बताइए। अरे भैया थोड़ा के जान ना किया, टेंशन ले जा, नहीं नहीं आप सही हैं, झगड़ा ने